राजनांदगांव में पिछले बार रायगढ़ में विस्थापन के खिलाफ एक रैली का आयोजन हुआ था। मोगरा में समुदाय के साथ करीब 5 साल से संपर्क है। जिस समय मोगरा बांध बनना शुरू हुआ था उस समय लोगों को एकजुट करने का काफ़ी प्रयास की, लेकिन लोगों को लग रहा था कि हमारा ज़मीन डुमान में नहीं आएगा, जो आएगा उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जितना मुआवजा मिलना चाहिए उतना मुआवजा नहीं मिला। बांध से हम लोगों को बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ करीब बांध बने 5 साल हो गया और हमारे किसानों का पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा है। 32 किसानों का और 25 किसानों का झाड़ का पैसा नहीं मिल रहा है। इसके बारे में उच्च अधिकारी तक हम आवेदन दे चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। आप मुआवजा के परेशानी, पैसा के, झाड़ के, पूरा एक टिकली पैसा नहीं मिला। फिर हम लोग नव गांव के किसान यहाँ 16 तारीख को हड़ताल बैठे, तो वहाँ ई साहब सब इंजीनियर और अनुभागीय अधिकारी आकर समझौता किए कि जनवरी तक हम पैसा दे देंगे। अगर जनवरी तक पैसा नहीं मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? जनवरी तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम सारी क्षेत्र के किसान इकट्ठा होकर करीब 10,000 भूख हड़ताल बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। जब तक हमारा पैसा नहीं मिले तब तक हम चाहे मरें चाहे मिटें। हमारे देश में विकास का काम जो हो रहा है वो आदिवासियों के हित में नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो भी विकास का काम हो रहा है उसमें गांव के आदिवासी जनता को लेके जनता के हानिकारक ना हो, जनता के हित में हो। और यहाँ जो बांध बना है, मोगरा बांध बना है 5 साल से, जिसमें लोगों का ज़मीन गया है, डुबान में आया है और इनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, ये मुआवजा सभी प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, मोगरा, इंडिया हट के लिए।